Hello everyone, welcome to Leeds Grid. So many students were asking me regarding how to proceed in the LRDI section. वो काफ़ी issues face कर रहे हैं students कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से या किस section से start करें LRDI को, कौन सी puzzles को solve करना चाहिए. So I decided to make a video on it. जो collective doubts हैं उन सब का जो answer होगा वो मैं इस video में आपको दूँगा. So this session is basically about strategy to score well in the LRDI section. So before proceeding, if you don't know me, I am Gaurav Kapoor and have scored 99 plus percentiles in the CAT 2017 section. So let's start today's session. Now the first question is, what are the major concerns for most of the students? So let's check all the different questions the students mujhe mostly poochte hain. First question is confidence issues. Many students say, sir, confidence nahi aa raha. I am able to solve the sets. लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता जब भी कोई न्यू स्टेट आता है. आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड. सो कॉन्फिडेंस इश्यूज सबसे ज़्यादा है. और सेकंड क्वेश्चन इज नॉट एबल टू प्रोसीड इन द न्यू क्वेश्चंस. न्यू क्वेश्चन में किस तरह से स्टार्ट किया जाए समझ में नहीं आता. जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस होते हैं उनके बाद वैसे क्वेश्चन पे सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन कभी न्यू क्वेश्चन आता है देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर सेट. और थर्ड क्वेश्चन इज टाइम लिमिट में सॉल्व नहीं हो पा रहा. आई एम एबल टू प्रोसीड विद द क्वेश्चंस बट टाइम लिमिट में सॉल्व नहीं हो रहा. आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम more than expected, that is I am taking around half an hour or 1 hour to complete a particular set. So this is the third question. Now fourth question people ask is how to plan my preparation. Around 6 to 7 months are left for CAT. How to plan my preparation for LRDI section. The next question is how many sets should be my target before CAT. How many sets should I be solving? Kitne sets mujhe lagane chahiye. And the next question is how many mocks should be solved before CAT. CAT से पहले मुझे कितने मॉक्स का टारगेट रखना चाहिए कि एटलीस्ट मैं इतने मॉक्स तो दूँ ही दूँ. उससे ज़्यादा मैं जितने भी मॉक्स दूँ दैट विल बी एन एडिड एडवांटेज फॉर मी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट सीरीज शुड आई चूज. कौन सी टेस्ट सीरीज लूँ जो क्वांट बी एल आर डी ए सारी चीज़ों के लिए मेरे बेनिफिशियल रहे. कौन सी टेस्ट सीरीज मुझे चूज़ करनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इंक्रीज द स्कोर्स. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि दे आर स्कोरिंग वे टू लेस देन वॉट दे शुड बी सॉल्विंग राइट नाउ. So they are too depressed about how to solve or how to proceed with different sections for CAT. कि वो improve भी कर पाएंगे. They are thinking कि if they are scoring this much score then will they be able to crack the CAT. So these are the major concerns for different students. So I'll be covering each and every question in this particular video. So after this video you will be having some idea about how to proceed in the LRDI section. किस तरह से हम proceed कर सकते हैं, किस तरह से confidence gain करें, किस तरह से different questions पे क्या क्या approaches possible हो सकती हैं, उनके बारे में किस तरह से सीखना है. So this is the major thing I'll be talking about in this particular video. So before proceeding let's check what are the major topics in the LRDI section of CAT. Now the first and the foremost important topic for LRDI is set theory. सेट थ्योरी में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. एक तो इक्वेशन अप्रोच से सॉल्व होने वाले एंड द अदर वन इज़ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम आई होप आपको सबको पता होगा दैट इज़ ए बी एंड सी. सो इस तरह से वेन डायग्राम अप्रोच से सॉल्व होने वाले सेट थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं और द अदर क्वेश्चंस आर इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन फॉर्मिंग से सॉल्व होते हैं. सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट थ्योरी. नाउ उसके बाद एक सेक्शन आता है गेम्स एंड टूर्नामेंट. बेसिकली ये वो वाले सेट्स हैं और वो वाली टाइप्स हैं जिनके लिए थोड़ी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, कुछ पढ़ना ज़रूरी है उनको सॉल्व करने के लिए. नॉर्मली जो पजल्स होती हैं वो बिना कुछ कंसेप्ट्स जाने भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स लाइक सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रुथ एंड लाइक, करेक्ट इनकरेक्ट, देन क्यूब्स, इनमें कुछ स्पेसिफिक अप्रोचेज यूज होती हैं. सो इफ़ यू हैव सम आइडिया अबाउट द स्पेसिफिक अप्रोचेज देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व फॉर दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. और सेकेंड क्वेश्चन इज और सेकेंड टॉपिक इज गेम्स एंड टूर्नामेंट. गेम्स एंड टूर्नामेंट काफ़ी टाइप्स क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है, लाइक सीडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं 8 टीम्स आर देयर, 16 टीम्स आर देयर, 64 टीम्स आर देयर, 128 टीम्स आर देयर, 32 टीम्स आर देयर. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स आर देयर इन गेम्स एंड टूर्नामेंट. सो विनिंग लूजिंग वाले भी सेट्स होते हैं वो गेम्स एंड टूर्नामेंट में होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स का फॉर्मेशन होता है गेम्स एंड टूर्नामेंट. सो अगर आपको पहले कुछ आइडिया हो कंसेप्ट के बारे में देन इट विल बिकम वेरी इजी टू सॉल्व इन द एग्जाम कंडीशंस. नाउ द सेकंड एंड थर्ड टाइप इज ट्रुथ एंड लाइक. ट्रुथ एंड लाइक में देयर विल बी 2, 3, 4, 5 टाइप्स ऑफ पीपल, मल्टीपल पर्सन कैन बी देयर. इट द पर्सन कैन बी आइदर अ ट्रुथफुल पर्सन, अ लायर और एन अल्टरनेटर. दीज थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन विल बी देयर एंड देयर विल बी मल्टीपल कंडीशंस फॉर ऑल द पर्सन एंड यू नीड टू सॉल्व दीज पर्टिकुलर सेट्स. सो इस तरह से ट्रुथ एंड लाई टाइप्स ऑफ सेट्स का फॉर्मेशन होता है. नाउ द नेक्स्ट सेट इज करेक्ट इनकरेक्ट.
let me just take an example. Like in CAT, there are 100 questions. Now in the question, it will be asked about how many different types of combinations for different scores can be possible. That is, ek student jo hai, wo kitne numbers form kar sakta, aur kitna score kar sakta hai, kitne different possible score uska ask the exam. Like there are 3 questions. There are 3 questions and each question is carrying 4 marks. The total marks will be 12. Now, if the student scored 2 questions correctly and 1 question wrong, then it means 2 into 4, that will be 8, and 1 negative marking is there for a particular question. Then 2 into 4, that will be equal to 8, and 1 negative marking, that will be 7. So in this way, there will be different questions possible on correct and incorrect, and there are specific approaches to solve these questions as well. So agar aapko approaches ka idea hoga, then exam conditions mein bahut easy banta hai ki how to solve these types of sets. Now the next possible type is cubes. Cubes mein painting ke bare mein aata hai ki outer jo layer hai usme kaun se painted hai, alag alag rang se paint hoga, then is tarah ke questions ka formation hota hai. Then ek type aati cubes mein ki cubes ko open karke dikhana hota hai aur usme question solving ho sakti hai. So is tarah se cubes mein bhi kafi different concepts hain. So aap agar aapko uske bare mein idea hai, then exam conditions mein ईजी बनता है सॉल्व करना. अब उसके बाद दीज आर द 5 मेजर टॉपिक्स जिनके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए एग्जाम कंडीशन में क्रैक करने के लिए, बिकॉज इन 5 के 5 जो टाइप्स हैं इनमें एक स्पेसिफिक अप्रोच यूज होती है, उसी को यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट आवर क्लासेस कि क्लासेस में हम किस तरह से करते हैं. सेट थ्योरी स्टार्ट जिस ऑर्डर में हम क्लासेस में स्टार्ट करते हैं उसी ऑर्डर में मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को मेंशन किया. सबसे पहले हम सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं. सेट थ्योरी पे 3 से 4 क्लासेस होती हैं. पहले इक्वेशंस अप्रोच, वेन डायग्राम अप्रोच को डिस्कस करते हैं अच्छे से कि किस तरह की पॉसिबल जो हैं पजल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है, उनके बारे में डिटेल में जाते हैं. सेट थ्योरी कंप्लीट करने के बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट में मूव करते हैं. देन ट्रूथ एंड लाई, देन करेक्ट इनकरेक्ट, क्यूब्स, उनके जो बेसिक कंसेप्ट हैं कि किस तरह से इन पजल्स का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से इनको प्रोसीड करना है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, मेथड है, जो मेथडोलॉजी है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं. वो चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो कन्वेंशनल अप्रोचेज हैं और कन्वेंशनल सेट्स हैं उनमें किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं. सो इनका जब आइडिया मिल जाता है तो उसके बाद में हम जो टॉपिक्स बचते हैं हमारे पास, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट. आई होप आपको इनके बारे में कुछ आइडिया होगा. बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे लीनियर अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट होगा कुछ कि लाइन में कुछ पर्सन बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एनी नंबर ऑफ पर्सन कैन बी देयर. तो लीनियर अरेंजमेंट फॉर्मेशन होगा. सम कंडीशंस कैन बी देयर दैट A इज टू द लेफ्ट ऑफ B, B इज टू द लेफ्ट ऑफ C एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो डिफरेंट पॉसिबल कंडीशंस विल बी देयर एंड वी नीड टू यूज ऑल द डिफरेंट कंडीशंस. सो इन दिस वे द क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड. सिमिलरली फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट, अ सर्कल विल बी देयर, मल्टीपल पर्सन कैन बी देयर, इट कैन बी 6, 8, 4 एंड एनी नंबर ऑफ पर्सन कैन बी देयर. देयर विल बी मल्टीपल कंडीशंस फॉर डिफरेंट पर्सन एंड इन दिस वे सर्कुलर अरेंजमेंट विल बी फॉर्म्ड. नाउ मैट्रिक्स अरेंजमेंट कैन बी देयर. नाउ फॉर डी आई स्पेसिफिक डी आई इट विल बी लाइन चार्ट्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स. और ये जो 3 टॉपिक्स हैं डायरेक्टली कैट में नहीं आते हैं, बहुत रेयर चांस है कि डायरेक्टली इनमें से टॉपिक्स बने, लेकिन अगर इनका बेसिक आइडिया होगा तो इनके जो एडवांस लेवल के जो पजल्स का फॉर्मेशन होता है कैट में उनमें वो ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं. सो ज़रूरी है कि उनके बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको चेक किया जाए कि किस तरह से इनको प्रोसीड करना है, सो दैट एग्जाम कंडीशन में, क्योंकि अगर आप एक नई चीज़ देखोगे उसको आपको सॉल्व करने में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी. सो अगर आपको कुछ आइडिया होगा कि किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो इस तरह से क्लासेस में हम पहले 5 जो टॉपिक्स हैं मेन इनको डिस्कस करने के बाद साइड बाय साइड जो क्लासेस चलाते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, इनकी क्लासेस चलाते हैं. इनके ऊपर में ईजी, सबसे पहले ईजी लेवल सेट्स, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी सॉल्व ही नहीं किया LRDI, तो उनके लिए लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, इन तरह के टॉपिक्स के लिए सबसे पहले इजी सेट लेके आते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं किस तरह से इनके अप्रोच किया जाए, देन मीडियम, देन टफ लेवल, देन इस तरह से क्लासेस का फॉर्मेशन होता है. देन उसके बाद में लाइन चार्ट्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दी जाती है कि किस तरह से इन चीज़ों को कवर करना है. उसके बाद में जो माइनर टॉपिक्स बचते हैं हमारे पास, ब्लड रिलेशंस से लॉगिज़म्स. तो ब्लड रिलेशंस का क्या कंसेप्ट है कि कैट में बहुत रेयर चांस है कि ब्लड रिलेशंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बने. सो लेकिन जो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, दैट इज स्नैप, IIFT, तो NMAT, उनमें ब्लड रिलेशंस पे क्वेश्चंस बनते हैं. सो ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, ये भी कवर किया जाता है उसमें. फिर उसी तरह से सिलॉगिज्म टॉपिक है, कैट में नहीं आता लेकिन स्नैप, IIFT और NMAT इन एग्ज़ाम्स में सिलॉगिज्म्स भी आते हैं. सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स इन द LRDI सेक्शन जिन पे वर्क करना ज़रूरी है. साइड बाय साइड
एक 14th टॉपिक एक और ऐड कर लो, दैट इज़ अनकन्वेंशनल सेट्स। एक बारी हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, उसके बाद में अब जैसे कुछ पजल होते, जैसे चेस के ऊपर पजल आ गए, कैट हो, 17 की बात करें, चेस के ऊपर पजल आ गए, तो उसको किसी चीज़ का नाम नहीं दे सकते कि कौन सी कैटेगरी में आएगी वो। सो वैसे टाइप्स की पजल जो आती हैं वो अनकन्वेंशनल सेट्स में आती हैं। इनमें जो है हम जो भी डिफरेंट लेवल डिफरेंट टाइप्स की जो पजल्स पॉसिबल होती हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आती, उन सेट्स को लेके आते हैं और उनका डिस्कशन करते हैं। सो इस तरह से ये टोटल आपके पास जो 14 टाइप्स के LRDI सेक्शन में पजल्स आती हैं, दैट इज सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रुथ एंड लाइक, करेक्ट इनकरेक्ट, क्यूब्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल अनकन्वेंशनल सेट्स। सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स इन LRDI के सेक्शन। सो लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड विद दिस सेक्शन, किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, उस तरह से प्लान आउट करते हैं कि नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में हमें क्या क्या करना है। सो लेट्स प्लान फॉर इट। राइट नाउ अप्रैल इज गोइंग ऑन, इट इज गोइंग टू एंड, कुछ दिन बचे हैं अप्रैल में, देन मई विल बी देयर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर, मोस्ट प्रोबेबली इन नवंबर द एग्जाम विल बी देयर। सो यू आर लेफ्ट विद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 to 7 मंथ्स आर लेफ्ट बिफोर कैट, 6 to 7 मंथ्स। लेट्स टेक द मिनिमम वैल्यू, लेट्स टेक वी आर लेफ्ट विद 6 मंथ्स ओनली, 6 मंथ बचे हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हैं LRDI सेक्शन के लिए। नाउ 6 मंथ्स अप्रॉक्स 180 डेज, अगर हर रोज 2 सेट्स का टारगेट लेके चलो फ्रॉम एनी सोर्स यू हैव, लेकिन वो रिलायबल सोर्स हो जिसके आंसर्स और क्वेश्चंस की क्वालिटी कैट लेवल पे हो, ऐसा नहीं कि फालतू के क्वेश्चंस सॉल्व करे जा रहे हो जिसका कुछ यूज़ नहीं है, उन पे फोकस मत करना। 2 सेट्स रेगुलर बेसिस पे, 2 सेट्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर 6 मंथ्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व 360 सेट्स, इजी सिंपल है, 180 इंटू 2 इट विल बी इक्वल टू 360, यू विल बी एबल टू सॉल्व 360 LRDI सेट्स बिफोर कैट by just solving 2 sets a day. 2 sets will hardly take 1 hour. बिल्कुल basic preparation है, बिल्कुल भी कभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक LRDI में, फिर भी maximum 1 hour लगेगा 2 sets को solve करने में। अगर थोड़ी advanced preparation होगी then it will take hardly half an hour, then it will take 20 minutes. 20 to 30 minutes में you'll be able to solve 2 sets after some preparation. Now 180 days है, चलो घूमना फिरना भी लगा लें, उसके बाद भी 150 days तो minimum बचते हैं, 180 ना मान के 150 डेज मान के भी चलें, देन ऑल्सो यू हैव 150 डेज, तो एटलीस्ट 300 सेट्स LRDI सेट्स अच्छी क्वालिटी के कैट लेवल के यू आर एबल टू सॉल्व, यू विल बी एबल टू सॉल्व 300 LRDI सेट्स बाय जस्ट सॉल्विंग 2 LRDI सेट्स अ डे। नाउ अबाउट मॉक्स, यू विल बी टेकिंग डिफरेंट टेस्ट सीरीज, अबाउट द टेस्ट सीरीज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक ओनली 1 टेस्ट सीरीज, आई विल रिकमेंड IMS टेस्ट सीरीज, they are of good level, so IMS is a good one. If you are planning to take 2 test series, then IMS plus time is a good combo. If you are planning to take 3 test series, then IMS plus time plus CL, these 3 are the most reliable sources. So in teenon mein se first preference is IMS, second one is time, third one is CL. Uske ilawa free test bhi available hote hain kafi, jaise elite grid hi hamare website pe free mock test available rahenge, topic test, sectional test, फुल लेंथ मॉक्स, तो आप वो भी दे सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी एन एडिड एडवांटेज फॉर यू। सो अगर हम मिनिमम टू मिनिमम कितने मॉक्स देने हैं उसका प्लान करके चले, मिनिमम टू मिनिमम यू विल हैव टू गिव एटलीस्ट 40 मॉक्स, 40 मॉक्स शुड बी योर टारगेट, एनीथिंग मोर देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, एटलीस्ट 40 तो देने हैं, उसके ज़्यादा जितने भी कर पाओ दैट विल बी एन एडिड एडवांटेज फॉर यू। सो 40 मॉक्स, हर क्वेश्चन में 32 क्वेश्चंस होते हैं, हर मॉक में 32 क्वेश्चंस होते हैं LRDI सेक्शन में, नाउ 32 क्वेश्चंस मीन 8 LRDI सेट्स, सो इफ़ यू आर टारगेटिंग एटलीस्ट 40 मॉक्स देन इट मीन्स 40 मॉक्स इन वन मॉक इट इज 8 LRDI सेट्स, 40 इंटू 8 दैट विल बी इक्वल टू 320 LRDI सेट्स। इफ़ यू जस्ट सॉल्व 2 सेट्स अ डे, 2 LRDI सेट्स अ डे फ्रॉम नाउ ऑन प्लस 40 mocks, full length mocks, then only you will be able to solve 300 sets here and 320 sets here, that will be equal to 620 LRDI sets. Our target was to solve 400 to 500 sets,
But if you start solving two LRDI sets a day from now on and take 40 mocks, you'll be able to solve around 620 sets. That is more than enough to crack the CAT LRDI section. अगर 600 to 700 गुड क्वालिटी एल आर डी मॉक्स आपने सॉल्व किए हैं देन कोई भी आपको 99 प्लस परसेंटाइल लाने से नहीं रोक सकता. सो दिस शुड बी द बेसिक प्लान टिल कैट 2018. कैट 2018 तक दो सेट हर रोज़ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. सोर्स कैन बी पास्ट ईयर मॉक्स इफ़ यू हैव पास्ट ईयर मॉक्स फ्रॉम एनी ऑफ आई एम एस टाइम सी एल. देर आर 5000 to 6000 LRDI sets present in the past year mocks. So if you are looking for books or anything like that, then there is no use to find the different books which are useful for CAT. ऐसी कोई book है नहीं जिसमें चीज़ें अच्छे level पर दी हो. So best source for LRDI preparation is past year mocks. Time, IMS, CL के past year mocks. Hopefully आपके पास Google Drive होगा जिस पर सब posted है. So you can get the mocks from there. There are 5000 to 6000 LRDI sets already present in the past year mocks. So koi aur source find out karne ki zarurat nahi hai. You can directly check past year mocks for that. You can start solving from past year mocks. That is two LRDI sets a day. That will do. Now regarding the confidence. Ki confidence nahi aa raha. Confidence kaise aata hai? Kisi cheez ke bare mein agar aapko bahut sara pata hai, नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, उसी चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस है. सीधी सी बात है, कुछ ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी गेम नहीं है. जिस चीज़ के बारे में आपको पता है उस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस आता है. नाउ फर्स्ट मंथ में क्या होगा, आप एल आर डी सेट सॉल्व करना स्टार्ट किया, इट मे बी टेकिंग वन आवर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर सेट. ऐसा भी हो सकता है एक सेट को सॉल्व करने में एक घंटा लग जाए, दो घंटे लगते हैं. टाइम दो स्टार्टिंग में ये मत सोचो कि टाइम लिमिट में सॉल्व करना है. दैट शुड नॉट बी योर टारगेट कि टाइम लिमिट में ही सॉल्व हो. स्टार्टिंग में लर्निंग फेज पर ध्यान दो कि मुझे सीखना है कि किस तरह से इन सेट्स को सॉल्व किया जा सके. क्योंकि एल आर डी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिमाग में हमने पढ़ा दिया और आपको दिमाग में डल जाएगा. सॉल्व खुद ही करोगे तभी सीखोगे. एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ कि मेंटर और स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है. मेंटर जो है उसने पहले एल आर डी सॉल्व में वो भी स्ट्रगल किया, उसने भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, डेफिनेटली स्ट्रगल किया. कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता, उसने भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया और सीखा. उसने एक सेट पकड़ा, डिफिकल्ट लेवल का सेट था तो उसने भी एक दो घंटे लगाए उस पर. उसने डिफरेंट अप्रोचेस सीखी कि किस तरह से अगर क्या कंडीशन है जो उसको मैं पिक करूं तो मेरी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं. सो इस तरह से मेंटर की लर्निंग हुई है. सो मेंटर को पता है कि कौन सी कंडीशन है जिन पर फोकस करना चाहिए. उसको आइडिया है कि किस कंडीशन पर फोकस करने से मेरी चीज़ें इंप्रूव होंगी. तो मेंटर क्या करता है, अब स्टूडेंट मेंटर ने जो स्टूडेंट को अब खुद जो नॉलेज है उसके पास, वो स्टूडेंट को डायरेक्टली बता देगा कि ये वाली जो कंडीशन थी उसको क्यों यूज़ किया. ये वाली कंडीशन पे हमने फर्स्ट जो हमारा फोकस था, हमने जो अटैकिंग पॉइंट था वो ये कंडीशन क्यों थी, हमने वो क्यों यूज़ किया. यही डिफरेंस आता है कि मेंटर जो है वो चीज़ डायरेक्टली स्टूडेंट को दे देता है. अब जो स्टूडेंट को दो आवर्स लगा के वो चीज़ सीखनी थी वो डायरेक्टली उसने जो बता दी उसको, उसका फोकस डायरेक्टली उस पॉइंट पर हो गया कि ये वाली कंडीशन हमें क्यों यूज़ करनी थी, ये वाला अटैकिंग पॉइंट क्यों है. तो इस तरह से जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. तो स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करोगे देन इट विल टेक टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. टाइम लिमिट को दिमाग में मत लेके चलो कि आपको 10 मिनट में सॉल्व करना है या 15 मिनट में सॉल्व करना है. अगर आपके बेसिक्स वीक हैं देन ट्राई टू सॉल्व अ पर्टिकुलर सेट इन एनी टाइम लिमिट, इनफाइनाइट टाइम लिमिट शुड बी देयर. सॉल्व करते रहो, ये नहीं कि एक महीना ही लगा दिया एक क्वेश्चन पे. और एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व इट इन 2 to 3 hours, मैक्सिमम 2 hours लो, 2 या मैक्सिमम 3 hours लो और सॉल्व करने का ट्राई करो. अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा देन ऑलवेज डिस्कस विद योर मेंटर. इट मींस देयर इज सम इशू इन योर लर्निंग प्रोसेस, तो मेंटर से डिस्कस करो. अगर 3 hours में भी नहीं हो रहा है सॉल्व, अदरवाइज टेक योर टाइम, सॉल्व करने का ट्राई करो. इट विल सॉल्व, इट विल डेफिनेटली सॉल्व. जैसे जैसे बिना टाइम लिमिट के सॉल्व करने लगोगे अप्रोच बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आने लगेगा किस तरह से किसी एल आर डी सेट को स्टार्ट कर सकते हैं. अब जैसे एल आर डी सेट्स में भी डिफरेंट वराइटीज़ हैं, कितनी डिफरेंट वराइटीज़ पॉसिबल होंगी, 500, 600, 700, 800, 1000 मैक्सिमम कितनी टाइप्स पॉसिबल होंगी. तो एक टाइम आएगा कि उस तरह के एल आर डी सेट्स आपको दिखने लगेंगे इन मॉक्स और इन कैट सेक्शन एज वेल. तो अगर देखा हुआ एल आर डी कैट, अगर देखा हुआ एल आर डी सेट आपको एग्ज़ाम में दिख गया देन इट विल बिकम वेरी ईजियर फॉर यू टू प्रोसीड विद दैट पर्टिकुलर सेट. कुछ आइडिया होगा कि इस तरह से मैंने इस तरह का पहला सेट अगर सॉल्व किया तो मैं किस तरह से मैंने अप्रोच किया. तो यही चीज़ें जो है एग्जाम कंडीशंस में बहुत बेनिफिशियल रहती हैं. सो इस तरह से ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी.
regarding the mocks, मैंने बता दिया 40 mocks should be your target, at least 40 mocks तो देने चाहिए. Anything more than that will be good. Around 500 sets should be solved, 500 sets, LRDI sets should be solved. और एक और चीज़, मेन जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कोई LRDI सेट पकड़ा, एक LRDI सेट पकड़ा, they were not able to solve. उन्होंने solutions देखा, उसका solution देखा और next set पे proceed कर गए. चलो सोल्यूशन देख लिया, मैंने मान लिया सोल्यूशन देख लिया, बट इट इज़ नॉट द प्रोसेस टू लर्न. सोल्यूशन देख लिया उसके बाद भी खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, सोल्यूशन को भूलो. सोल्यूशन एक बार ही देख लिया उसको साइड पे रखो, फिर से सॉल्व करने का ट्राई करो. जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक LRDI में इम्प्रूवमेंट होने का स्कोप नहीं है. ये चीज़ दिमाग में बांध लो, जब तक खुद नहीं मरोगे स्वर्ग नहीं मिलेगा. खुद तो मरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा. ये स्ट्रेटजी जो फॉलो करो रेगुलर, 2 LRDI सेट्स अ डे, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, अराउंड 40-50 डेज में यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन योर क्वेश्चन सॉल्विंग. यू विल सी अ बिग डिफरेंस. समझ में आने लगेगा कि स्टार्टिंग में मेरे पजल्स में हाथ ही नहीं लगा पा रहा था, नाउ आई एम एबल टू सी, नाउ आई एम गेटिंग सम आइडिया अबाउट विच वन इज़ अ टफ सेट, विच वन इज़ अ ईजी सेट. सो इस तरह से अप्रोच बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ ये लर्निंग प्रोसेस हो गया, 2-3 मंथ्स में लर्निंग फेज जो है ओवर हो जाएगा. लर्न कर रहे हो साथ साथ, वो तो चलता रहेगा लेकिन साइड बाय साइड. अब एक होता है सेट सॉल्विंग अप्रोच. सेट सॉल्विंग अप्रोच दैट इज कन्वेंशनल अप्रोचेस जो स्टार्टिंग में सीखोगे, 2-3 मंथ्स में वो कन्वेंशनल अप्रोचेस सीखोगे. नाउ उसके बाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं, कि ऑप्शंस कैसे यूज़ करनी है, हाउ टू यूज़ द ऑप्शंस, हाउ टू यूज़ द ऑप्शंस. नाउ एक होता है कि हाउ टू डू द अप्रोक्सीमेशंस, अप्रोक्सीमेशंस कैसे यूज़ करना है. नाउ देर इज़ वन थिंग लाइक देर आर टीटा क्वेश्चन इन द LRDI सेक्शन इज. नाउ इफ देर इज़ अ पजल एंड देर इज़ अ टीटा क्वेश्चन, देन वी गेट टू नो दैट कि मल्टीपल केसेज पॉसिबल नहीं होंगे. नाउ सम मैट, लेट अस अज्यूम दैट सम मैट्रिक्स अरेंजमेंट इज देयर. नाउ ऑल द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन टीटा फॉर्मेट, दैट इज टाइप इन द आंसर टाइप. देर इज नो ऑप्शंस गिवन टू चूज, देर इज अ टाइप इन टाइप, टाइप इन द आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज वी नीड टू टाइप इन अवर आंसर. सो उन क्वेश्चन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है, एक बेसिक चीज़ बता दूँ, मे बी यू विल गेट सम आइडिया अबाउट इट. जैसे टाइप इन द आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया एंड देर आर मल्टीपल कंडीशन पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर सेट, एक सेट है जिसकी मल्टीपल कंडीशन पॉसिबल हो रही है, आपको समझ आ रहा है. नाउ अगर टीटा क्वेश्चन है देन यू विल ट्राई टू फॉर्म अ पर्टिकुलर पजल और पर्टिकुलर अरेंजमेंट फॉर वन केस. अगर एक केस का फॉर्मेशन हो गया देन यू नीड नॉट चेक फॉर अदर केसेस, बिकॉज इफ इट इज टीटा क्वेश्चन देन CBD ऑप्शन विल नॉट बी योर आंसर अनलेस और अंटिल इट इज मैंशन अबाउट CBD ऑप्शन कैन बी प्रेजेंट इन द टीटा. दैट इज दे विल मैंशन यू नीड टू पुट इन 0 इफ यूर आंसर इज CBD, देन ओनली देयर कैन बी CBD आंसर. बट इफ इट इज नॉट मैंशन अबाउट दिस कंडीशन, दैट इज यू नीड टू पुट इन 0 इफ यूर आंसर इज CBD, देन यू कैन डायरेक्टली चेक फॉर ओनली वन केस. यू नीड नॉट चेक फॉर ऑल द डिफरेंट केस इज पॉसिबल. एक भी केस बनता है देन यू कैन आंसर यूर क्वेश्चन. आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे सेट्स भी पोस्ट करूंगा जिससे आपको समझ में आए कि किस तरह से ऑप्शंस का यूज़ हो सकता है, किस तरह से अप्रॉक्सीमेशंस बिठा सकते हैं, किस तरह से अगर टीटा क्वेश्चन है तो एक सेट के लिए किस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है. सो आने वाली वीडियोस में और भी चीज़ें कवर करेंगे. क्लासेस का मैं फॉर्मेट बता देता हूँ किस तरह से हम क्लासेस कराते हैं. आर क्लासेज आर थ्रू वेबिनार्स, लाइव क्लासेज चलती हैं LRDI सीखने के लिए, बेसिकली क्वांट VA एंड LRDI तीनों चीज़ों को सीखने के लिए. अगर साइड बाई साइड अपने डाउट पूछ सकते हो देन ओनली इट इज़ बेनिफिशियल. अगर आपको कुछ रिटर्न फॉर्म में या वीडियो में कुछ मिल गया लेकिन आप उसमें डाउट नहीं पूछ सकते साइड बाय साइड, देन इट इज़ नॉट ऑफ दैट मच यूज़, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है. क्योंकि जैसे आई एम टीचिंग एनीथिंग, कोई मैंने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको डाउट है, अगर आप उसी पॉइंट पे मुझे पिन कर सकते हो कि ऐसा कैसे हुआ, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. उसी टाइम पे आपने पूछा, मैंने वो डाउट क्लियर कर दिया, देन द लर्निंग विल मूव ऑन. तो इस तरह से लर्निंग उसी टाइम पे वो चीज़ आप सीख पाओ. लेकिन अगर वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है या रिटर्न फॉर्म में है देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसीड, स्पेसिफिकली फॉर द LRDI सेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरह से प्रोसीड करें समझ में नहीं आता. सो आर क्लासेज आर थ्रू वेबिनार्स, लाइव क्लास होती है. जैसे लाइव क्लास के बाद जैसे आपने कोई क्लास मिस भी कर दी, कोई क्लास आपने मिस कर दी, आपको कुछ कंसेप्ट रिवाइज करना है, देन उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहती है. लाइव क्लास में यू विल हैव अ चैट विंडो, यू कैन टाइप इन योर कमेंट्स टू आस्क द डाउट्स, डाउट्स पूछ सकते हो आप.
साथ ही में अगर आपने क्लास मिस कर दी और अगर आप रिवाइज करना चाहते हो इन फ्यूचर, देन द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन योर डैशबोर्ड. सो फ्यूचर में भी आप कितनी भी टाइम्स उसको रेफर कर सकते हो, कितनी भी टाइम उसको रिवाइज कर सकते हो, देयर वोंट बी एन इशू. सो साइड बाई साइड लाइव क्लासेस के अलावा विल बी प्रोवाइडिंग यू द डाउट सॉल्विंग. यू विल बी आस्किंग कि ऑनलाइन क्लासेस में डाउट सॉल्विंग कैसे वर्क करती है. ना डाउट सॉल्विंग विल वर्क लाइक ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, देयर विल बी अ विंडो ऑन सैटरडे और संडे, कुछ टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम में अपने डाउट्स लेके आना, विल बी डिस्कसिंग ऑल योर डाउट्स एंड सो ऑन. लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में देयर इज नो सच सिनेरियो. ऑनलाइन क्लास में विल बी क्रिएटिंग डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स फॉर क्वांट वी एंड LRDI सेक्शन. यू विल बी आस्किंग योर डाउट्स इन दोज फेसबुक ग्रुप्स. कोई भी आपको डाउट आता है, यू जस्ट नीड टू टेक अ स्क्रीन शॉट एंड यू कैन पोस्ट इन द डाउट सेक्शन. तो विद इन 24 आवर्स योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व. सो दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ डाउट सॉल्विंग, कि हाउ द डाउट सेशंस आर टेकन. नाउ फॉर LRDI, फॉर मोस्ट ऑफ द डाउट्स विल बी प्रोवाइडिंग यू द वीडियोज, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में सॉल्यूशंस उतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते स्पेसिफिकली फॉर LRDI सेक्शन. सो विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द वीडियोज फॉर LRDI. For most of the set, videos will be there, or we'll be discussing that particular set in our live class. We'll be the live class, जो आपने doubt solve post किया है उसको हम pick कर लेंगे और live class में discuss कर देंगे. So इस तरह से functioning होगी doubt solving. So apart from the doubt solving, we'll be providing you the study material. Study material will also be included. Study material will be provided in the form of soft copies, that is e-books will be there. Now apart from study materials, we are providing you the practice test. That is topic test, sectional test and mock test will be there. You can take the test from our website. So these are the four major things. Now there will be different sessions for SNAP, IFT, NMAT and other management entrance examinations. Kuch topics hain jaise ki syllogisms ho gaya, blood relations ho gaya, aur bhi kaafi jaise input output hai, kaafi topics hain jo CAT mein nahi aate. So we'll be having different sessions, separate sessions for SNAP, IFT and NMAT. Kuch sessions honge jo separately honge SNAP, IFT or NMAT ke liye. Now there will be 1 month session for DM as well. That is decision making session which appears in the Z set. Decision making classes will also be there. 1 month classes for decision making will also be included in this particular course. Now about the fees. The fees for the full course is 12,600. Right now there is a 30% discount going on, so the fees is 12,600 plus some GST part is there. Now all the things, that is live classes, doubt solving, study material, practice tests, decision making sessions, extra sessions for SNAP, IFT and NMAT is included in this fees. No extra fees is there for any particular session. We'll be providing you all the live classes. There will be 5 classes in a week. There will be 5 theory classes in a week. प्लस 2 प्रैक्टिस सेशंस विल बी देयर. 2 प्रैक्टिस सेशंस उन्हीं टॉपिक पे जिन पे वो वीक में क्लासेस हुई हैं, सो दैट अगर उनकी डिटेलिंग चाहिए हमें, जैसे कोई टॉपिक हमने पढ़ाया उस वीक में, उसकी डिटेलिंग चाहिए, सो विल बी कवरिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द प्रैक्टिस सेशंस एज वेल. उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे. एंड द टाइमिंग्स फॉर द क्लासेस आर इन द नाइट, दैट इज 10 to 12. दिस टाइम इज सुटेबल फॉर ऑल द वर्किंग एस्पिरेंट्स एज वेल एज नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स. सो द टाइम इज 10 to 12 in the night. You can attend the classes in between 10-12, and in case you miss any class, you'll get the recording of that particular class within 1 or 2 hours after the completion of the class. So in this way our whole course is all about. If you have any further queries, then you can ask in the comment section below. I'll be covering all your queries in the next video. So that's all for today. If you have any queries regarding the courses, then you can get in touch with me, or you can also ping us on our website. That's all. For more such videos, like, share and subscribe to our YouTube channel. We'll be uploading more and more videos for your help regarding the strategy and regarding the questions as well. So this is it for today. Happy learning.